तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल है ना भयंकर पर। शायद इन दिनों आप सभी अपने अपने स्थानों पर रुके होने के कारण एक ठहराव सा महसूस कर रहे होंगे, लेकिन क्या करें, मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए हम सभी को मानव जीवन की भलाई हेतु अपने अपने घरों में ही रहना उचित होगा। मास्क पहनने को लेकर गलत जानकारी दे रहा है WHO। कोरोना वायरस WHO ने कहा है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको सिर्फ उसी वक्त मास्क पहनने की जरूरत है जब आप किसी कोरोना संक्रमित का ख्याल रख रहे हो। जब दुनिया में कोई महामारी फैलती है तब सभी देश सही जानकारी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का रुख करते हैं। कोरोना के समय में भी दुनिया ऐसा ही कर रही है। सभी देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में WHO से मिल रही जानकारियों के मुताबिक ही कदम उठा रहे हैं, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक कोरोना के खिलाफ जंग में WHO का मास्क विरोधी अप्रोच गलत साबित हो रहा है। WHO पर क्या दी गई है जानकारी। इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अपने वेबसाइट पर कोरोना से बचाव के लिए कई निर्देश दिए हैं। इसके एक सेक्शन व्हेन एंड हाउ टू यूज मास्क में लिखा है, अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको सिर्फ उसी वक्त मास्क पहनने की जरूरत है जब आप किसी कोरोना संक्रमित का ख्याल रख रहे हो। लेकिन अगर WHO की जानकारी से इतर देखा जाए तो पता चलेगा कि कई रिसर्च में दावा किया गया है कि सामान्य मास्क भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कारगर साबित हो सकते हैं। अगर रिसर्च को छोड़ भी दे तो हांगकांग, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देशों ने कोरोना पर काबू पाने के लिए DIY जैसे सामान्य मास्क का उपयोग किया। क्या है एक्सपर्ट्स की राय। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डायरेक्टर जनरल जॉर्ज गाओ के मुताबिक सामान्य मास्क भी संक्रमण से बचने में आपकी मदद कर सकता है। कम से कम ये किसी संक्रमित व्यक्ति की ड्रॉपलेट आपके शरीर में पहुंचने से तो रोकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि एरोप्लेन या ट्रेन जैसी जगहों पर मास्क काफ़ी प्रभावशाली साबित होते हैं। जरूरी नहीं है कि बचाव के लिए कोई बेहद महंगा मास्क ही पहना जाए। साल 2103 के एक अध्ययन के मुताबिक घरों में मौजूदा कपड़ों का इस्तेमाल भी मास्क बनाने में करके वायरस से बचा जा सकता है। ऐसा पाया गया कि टी शर्ट के टुकड़े को परतों में इस्तेमाल कर एक बेहतर मास्क बनाया जा सकता है। क्या है एक्सपोर्ट की रिसर्च। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की भी एक रिसर्च कहती है कि एक सामान्य सूती कपड़े से अगर मुंह और नाक को ढककर रखा जाए तो ये वायरस संक्रमण को रोकती है। हालांकि ये स्टडी कोरोना के संदर्भ में नहीं है, लेकिन वायरस संक्रमण पर बात करती है। वास्तविकता में इस समय जिन अस्पतालों में N95 मास्क खत्म हो गए हैं वहाँ भी घरों में बने हुए मास्क का ही इस्तेमाल हो रहा है। एक डॉक्टर का कहना है कि सबसे पहली बात तो यह है कि मेडिकल कर्मियों के लिए मास्क उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात, अगर वो संक्रमित हुए तो दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। तीसरी बात, मास्क पहनना आपको उन लोगों से बचा सकता है जो संक्रमित होने के बाद भी घूम रहे हैं। तो मेरे भारतवासियों, हम सबको अपने अपने घरों में ही रहकर इस महामारी को हराना होगा, तभी हम इस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें एवं अपने सभी साथियों को भी शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।